कहीं भी जाओ, कुछ भी हो रहा है, मौन रहो। क्योंकि आजकल बोलने का समय खत्म हो रहा है, किसी के साथ संवाद और संवाद में से विवाद भी प्रकट हो सकता है, इसलिए कोई संवाद नहीं कोई विवाद। संवाद करना तो अपने जात के साथ करो, विवाद करना है तो अपने जात के साथ करो। तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये तेरे लिए योग्य नहीं है। आपका मार्गदर्शन आप खुद बने, और कोई आपका मार्गदर्शन नहीं होना चाहिए। आप और किसी के फॉलोअर नहीं बने, आप स्वयं के फॉलोअर बने। आप स्वयं को फॉलो करें कि मुझे क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, ये आपके आप पर निर्भर है। जीवन की छोटी छोटी आदत है, एक साथ में नहीं छूटती, लेकिन धीरे 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 छूट सकती है, एक दिन में कभी नहीं होता। किसी को चाय छोड़नी है तो सुबह में छोड़ दो, पहले धीरे 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 पहले धीरे धीरे कम करो, चाय पत्ती कम करो, ऐसे करते 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 कम करो, एक टाइम के चाय छोड़ दो, दोपहर चाय पीते वो भी धीरे धीरे कम करो कम करो, छूट जाएगी। तमाकू मावा गुड़ का खाते थोड़ा कम करो, डोज कम। डॉक्टर ऐसे करते हैं ना, पहले दवा का डोज देते हैं, फिर दवा कम करते हैं, है ना, धीरे धीरे एक 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 साथ में। वो वैद्य भी ऐसा करते हैं कि पहले ये चूर्ण दो चम्मच लेना, चूर्ण की बात आती है, क्या तो हो गया चूर्ण, 2 चम्मच लेना भाई, बाकी धीरे धीरे 1 चम्मच कर देना और धीरे धीरे उसको बंद करना है। शुरू करते तब एक साथ में डोज दे देते और धीरे धीरे उसको बंद करना।